बढ़िया इंश्योरेंस प्ले कौन सा, ये गोरे वाकई कौन सी कंपनी में इच्छुक होंगे जब एफआईआई लिमिट एफडीआई लिमिट बढ़ेगी तो? सबसे बड़ा फायदा आशीष इसका होगा एक्साइड को। एक्साइड ने जो आईएनजी के जाते जाते जो बिजनेस अक्वायर किया था वो लेना पड़ा था उनके, उसमें आ गया धरोहर में, बट एक्चुअली उनका कोई इंश्योरेंस में रहने का कोई बहुत बड़ा फायदा है नहीं, और इतने पैसे लागत लगा के बढ़ाने का, तो उनके लिए ये रास्ता खुल जाएगा कि कोई बड़े प्लेयर के साथ वो रेडीमेड एक वो प्लेटफॉर्म ऑफर कर सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन के साथ का। तो मुझे लगता है वहां पे एक री रेटिंग की जो है गुंजाइश बहुत बन जाती है। सबसे अगर आप इस न्यूज के बलबूते कोई फायदे में देख रहे हो तो, नॉट फ्रॉम एनी अदर पर्सपेक्टिव, बट यहां से मुझे लगता है इसमें सबसे बड़ा इम्पैक्ट आ सकता है। देता है बुक्स रखने के लिए पोर्टफोलियो में दीवान सर? इंश्योरेंस में हमेशा मैंने एक राय रखी है कि एक बास्केट अगर आप क्रिएट करें, खास करके जो लाइफ साइड में इतने अच्छे बिजनेसेस हैं, थोड़े महंगे जरूर हो गए, पहले मैक्स थोड़ा ठीक ठाक वैल्यूएशन में मिल रहा था, वो भी बढ़ चुका है, बट एसबीआई लाइफ, मैक्स लाइफ, इस टाइप के जो अच्छे वाले प्लेयर्स हैं उनको आप नीचे गिरावट में जब भी चाहें। देखिए मैं हमेशा एक चीज याद कराता हूं लोगों को कि आपको जो चीजें लेनी है वो सारी एक दिन में तो लेनी नहीं है, और जिस दिन गिरावट होती है उस दिन सर खुजलाने की जगह क्या ले, कैसे ले, क्यों ले, वो आपको ये सब चीजें पहले से पता होनी चाहिए कि भाई लेना है तो ये चार चीजें लेनी है और आज का दिन अच्छा है। तो लेने वालों के लिए तो मार्केट जब हल्का फुल्का गिरता है तो बहुत बढ़िया मौके मिलते हैं। तो आई वुड क्रिएट अ बास्केट, उसमें एसबीआई लाइफ भी आएगा, उसमें मैक्स लाइफ भी रहेगा, और अगर अगर आप सस्ते में मिल जाता है तो एचडीएफसी लाइफ को भी ऐड कर सकते हैं। चलिए ये राय शुरू हुआ है, इसका फायदा उठाने के लिए आपको एक बहुत ही सटीक और सरल उपाय अगर देखना है, आपको अलॉटमेंट लगे ना लगे, इतने सारे लोग आईपीओ में अलॉटमेंट की चेष्टा जो कर रहे हैं या जो आस्था लगा के बैठे हैं, उसका फायदा आपको सीडीएसएल में दिखेगा 3 महीने बाद। तो अभी सीडीएसएल अपने ऑल टाइम हाई से थोड़ा सा नीचे फिसला था, और मुझे याद आया कि मैंने कहा सीडीएसएल में जिस टाइप की जब न्यूज आती है तो फिर उस दिन वो 5-10% ऊपर उसमें आ जाता है, चाल आ जाती है। तो ये ऐसी चीज है जो सदाबहार है, आपको अलॉटमेंट लगे ना लगे, आपने अकाउंट डीमैट अकाउंट खोला नहीं और सीडीएसएल की कमाई शुरू हो गई। तो ये इस टाइप का जो बेनिफिट अगर आपको लेना है जिस टाइप की ये आईपीओ आ रहे हैं और ओवर सब्सक्रिप्शन जो आ रहे हैं उसको देखते हुए, मुझे नहीं लगता सीडीएसएल में कोई नुकसान है या कोई खामी है। इस लेवल पे भी अगर आप लेंगे तो आपको यहां से भी अगले एक साल में 20-25% का जो रिटर्न है वो आराम से मिल सकता है। स्क्रीन दिखाई दे, डायरेक्टर साहब ने पूरे पैनल तेजी देखते ही बनती है, स्टॉक अपने फ्रेश रिकॉर्ड हाई की तरफ अग्रसर, ये तालियां आपके लिए। थैंक यू शैल जी। मतलब ऐसा है कि जो आईपीओ में हम लोग को फीलिंग ऑफ मिस्ड आउट आ रही है, अलॉटमेंट नहीं आ रहे हैं और रह जाते हैं जब अलॉटमेंट का स्टेटस देखते हैं, तो कहीं ना कहीं पैसे कमाने का जरिया ढूंढना जरूरी था, और सीडीएसएल इज अ वेरी वेल कोरिलेटेड बिजनेस। जितने लोग आईपीओ में आ रहे हैं, इतने नए डीमैट अकाउंट्स खुल रहे हैं, उसके बलबूते इसमें डिफरेंट, और जनरली भी इस कंपनी का अगर आप देखें जो बिजनेस मॉडल है, जिस टाइप के बेटा मार्जिन ये लोग क्लॉक करते हैं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट सारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर में वो बना बनाया हुआ है, फिक्स है, आप इंक्रीमेंटली जैसे जैसे नए अकाउंट खुलते जाएंगे आपको ऑपरेटिंग लेवरेज इसमें दिखता है। तो मुझे नहीं लगता कोई ये शॉर्ट टर्म वाले प्ले है, ये तो अपने पोर्टफोलियो में लंबे समय के लिए इस टाइप का यूनिक प्लेटफॉर्म है रखना, और जब तक एनएसडीएल अवेलेबल नहीं होता, विकल्प है ही नहीं आपके पास, तो इसको करना पड़ेगा। और कल मेरे ख्याल से शाम के सत्र में ऑल टाइम हाई, जो पुराना हाई था उसको भी इसने पार किया है, तो एक थोड़ा ब्लू स्काई टेरिटरी में आने की वजह से अभी भी इसमें गुंजाइश रहेगी फॉर द इमीडिएट शॉर्ट टर्म। थैंक यू। चलिए तो जैसा आशीष, बीटीएसटी में तो मैं ज्यादा कर नहीं पाता, बट एक चीज समझाना चाहूंगा कि जो एक मूवमेंट हमने अभी आपके यहां फ्लैश हो रहा था, केशोराम इंडस्ट्री ने पैसे जुटाए 1600 करोड़ बॉन्ड के जरिए, अब ये जो टायर कंपनीज में जो हलचल मची हुई है और जो ग्रोथ दिख रहा है,
ये एक पॉइंट हुआ। दूसरा आप देखिए सरकार की तरफ से पीएलआई स्कीम में यहां पे नया प्रोडक्शन करके जो बढ़त हासिल करेंगे, मार्जिन 8% का जनरेट कर पाएंगे, वो एलिजिबल होंगे, ये भी एक ऐलान हुआ है। तो बट स्पेसिफिक डील्स या कंपनीज कौन सी आएंगी वो थोड़ा सा अभी इसमें बाकी है बताना। तीसरी चीज आप देखिए कुछ समय पहले, दो तीन दिन मुझे याद नहीं है एग्जैक्टली कब, बट एक छोटी सी कंपनी है राजरतन ग्लोबल करके, टायर कॉर्ड बनाती है। इनफैक्ट टायर कॉर्ड में शायद एका दो ही प्लेयर्स हैं और ग्लोबली ये बहुत बढ़िया, इनका भी वो है, थाईलैंड में इनका यूनिट है। अब इन्होंने इसमें प्रमोटर ने अपना स्टेक बढ़ाया इस भाव पे, करीब 700 रुपए के करीब इसका भाव है। कंपनी छोटी है, 700 करोड़ के करीब मार्केट कैप है, ज्यादा नहीं है, बट फैक्ट के प्रमोटर्स को ये कॉन्फिडेंस आ रहा है कि ये बिजनेस अच्छा चलेगा, यानी इनका अंडरलाइंग बिजनेस जो टायर कंपनीज का है वो भी अच्छा चलेगा। तो मेरे हिसाब से अगर आप ये देखें, राजरतन में प्रमोटर की बाइंग, पीएलआई स्कीम का आना और जिस टाइप के ओईएम्स की ग्रोथ आपको दिख रही है, टायर कंपनीज को आप इग्नोर ज्यादा देर नहीं कर पाएंगे। अपोलो का नाम हम बहुत सुनते हैं, एमआरएफ का सुनते हैं क्योंकि ये चर्चित है एफएनओ की वजह से, बट सीएट जो एफएनओ में नहीं है, मुझे लगता है यहां पे एक आपको बहुत बढ़िया बैलेंस शीट रिपेयर का भी वो अंदेशा आना शुरू हो जाएगा बहुत जल्द। इनके पास डेट है, थोड़ा बहुत डेट घटाएंगे, कंपनी बहुत बड़ी नहीं है मैं मानता हूं एज कंपेयर टू बाकी जो दिग्गज प्लेयर हैं, बट इनकी ब्रांड रिकॉल जो है वो भी बहुत बढ़िया है। तो इस टाइप की जो कंपनीज है उसमें अगर आप देखें तो सीएट जैसी कंपनी अगर आप लें तो मुझे लगता है अभी भी ये फार अंडर वैल्यूड है, यहां भी अच्छी खासी अपसाइड आपको दिख सकती है, बट थोड़ा समय जरूर लगेगा, ये बीटीएसटी में तो शायद ना दे जाए, बट कुछ समय अगर कोई होल्ड करे तो इसके पुराने जो हाई है वो भी ये पार करके नए स्तर इसमें हासिल हो सकते हैं और मीडियम टू लॉन्ग टर्म बेसिस पे भी ये पोर्टफोलियो में रखा जा सकता है। ठीक, हमारे साथ स्टॉक स्पेसिफिक व्यू भी शेयर किया है, प्लीज स्टॉक को थोड़ा सा अगर आप देखें संक्षेप में एलिब्रेट कीजिएगा, समझाइएगा। हाँ, मैं देख रहा था, न्यूज फ्लो भी है और मुझे ऐसे भी काफी पसंद है, डिस्क्लोजर के तौर पे मेरे पर्सनली इसमें एक्सपोजर भी है। टाटा कम्युनिकेशंस की शायद बात कर रहे हैं आप वीरू, क्योंकि वो जो मैंने जिक्र किया कि इवेंट्स जब आते हैं तो कभी कभी आपको इतने बढ़िया जो मौके देते हैं, ये ओएफएस जो आया थोड़ा डिस्काउंट पे आया, 26% बहुत बड़ी चीज होती है इस टाइप की कंपनी में, लेकिन जिस हिसाब से रिस्पॉन्स आया है 220% यानी सॉरी दुगनी मात्रा में इसकी डिमांड जो खड़ी हुई है इंस्टीट्यूशनल साइड से, आज रिटेल का भी पार्टिसिपेशन आएगा और 1172 के आसपास जो कट ऑफ आया है, मुझे लगता है ये बहुत ही बढ़िया रेट पे लोग ले गए हैं और ये जो लेके गए ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं। और इस बिजनेस के बारे में आप ये छोड़ दीजिए ओएफएस को, अगर इस बिजनेस में ये मुझे समझ आ रही है कि अगले 10 साल के अंदर जैसे हम जमीन और फ्लैट और ये सब खरीदते थे, अब लोग एंटरप्राइजेस जो है बिजनेसेस है कंपनीज वो डिजिटल स्पेस खरीदेंगी, जो इसको हम क्लाउडिफिकेशन ऑफ डिजिटलाइजेशन बोलते हैं, तो वो जो क्लाउड पे जो काम हो रहा है उसमें आई थिंक इससे अच्छी कंपनी आपको हिंदुस्तान में नहीं मिल सकती। और इसके जो ड्राइवर्स हैं, कॉस्ट कंट्रोल, रेवेन्यू ग्रोथ पर क्लाइंट रेवेन्यू शेयर, वो सब जो बढ़ते हुए दिख रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि इसमें कहीं भी रुकावट आएगी। ये आपको पहला पड़ाव जो है 1500 के ऊपर का बहुत जल्द मिल जाएगा और उसके बाद ऑफकोर्स हम इवेल्युएट करेंगे, बट आई थिंक ये डेफिनेटली इन्वेस्टर्स को लेना चाहिए। टाटा की पेडिग्री है और ओवर प्राइस बिल्कुल नहीं है ये शेयर गिवन द ग्रोथ प्लान्स। आप पर बेट ना कर रहा हो कि बीपीसीएल आपको विनिवेश होता हुआ दिखेगा सन 2021-22 के फाइनेंशियल ईयर में, बहुत लोगों के पोर्टफोलियो में स्टॉक है और बहुत समय से निराशा हाथ लगती हुई दिख रही है। अब अनाउंसमेंट है इंटरिम डिविडेंड का मात्र 5 रुपए का, इस निराशा पर आपकी प्रतिक्रिया? शैल जी, ये आपको निराशा तभी लगेगी जब आप एक टाइमली कट ऑफ की बात करें कि भाई आज तक आ जाना चाहिए था, 5 रुपए डिविडेंड आया, 35 की उम्मीद थी। मुझे लगता है डिविडेंड बेशक आएगा, आपको शायद अप्रैल के महीने में हासिल हो, क्योंकि जो 27 मार्च को नुमालीगढ़ रिफाइनरी के प्रोसीड इनको आएंगे उसके बाद ये आएगा जो स्पेशल डिविडेंड के तौर पे। तो बने रहिए, इतने सालों तक आपने वेट किया है, जो अनलॉकिंग वैल्यू अनलॉकिंग की उम्मीद से वो नहीं आई है लेकिन अब आएगी। तो जिसको कहते हैं ना, मतलब 8 मील दूरी है, 7 मील पे आप थकान महसूस करके रुक जाएंगे तो वो 1 मील के चक्कर में आपका लक्ष्य जो है छूट जाएगा। सो ना होने दें इसको, मुझे लगता है इसको बने रहना चाहिए, आपको अच्छा खासा डिविडेंड मिलेगा, अच्छी खासी वैल्यू अनलॉकिंग की भी प्रक्रिया जो है उसका भी पूरा फायदा होते हुए मिलेगा। इनफैक्ट आज अगर कोई मायूसी की वजह से नीचे गिरावट में शेयर मिलता है तो जो लोग नहीं ले पाए वो भी ऐड कर सकते हैं। हमेशा और पूछता हूं, आप इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस पर कोई मोहर लगाएंगे किसी शेयर पर?
एक पहले हमने डिस्कस किया है एनसीसी लेके 61 रुपए 65 रुपए के आसपास था, वहां से अच्छा खासा उसने मूव दिया, 100 के करीब आया, फिर रिजल्ट्स में थोड़ी सी मायूसी लोगों को दिखी और कम हुआ। मुझे लगता है अभी भी इस टाइप के शेयर जो है, जो कंपनीज पूरी तरह से सक्षम है कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स को एग्जीक्यूट करने, और ऑफकोर्स एलएनटी को आप भूल नहीं सकते, बट इंफ्रा में बहुत बहुत वैल्यू चेन बड़ी है शैली, तो इससे तो रौनक आएगी, तो अच्छे खासे 15-20 नामों में आ जाएगी। बट इस टाइप के जो कंस्ट्रक्शन स्पेशलिस्ट हैं वहां पे आपको ध्यान देना चाहिए, और मुझे डेफिनेटली मुझे लगता है कि ये पोर्टफोलियो में रहते हुए इनकी स्ट्रेंथ जो है बढ़ती जाएगी। बट एनसीसी का नाम इसलिए मुझे याद आ रहा है कि हम चर्चा कर चुके हैं और थोड़ी सी उसके वाकिफियात है, बट आई थिंक अ लॉट ऑफ इंफ्रा प्लेस है जिसमें ये एक्साइटमेंट आएगी इसकी वजह से। जी चलिए दीवान साहब बाजार